अब रुक करते हैं बड़ी खबर का। राजस्थान के खेल जगत में कल बनेगा इतिहास। आरसीए को मिलेगा स्टेडियम की जमीन का पट्टा। खुद की जमीन खरीदने वाला पहला खेल संघ बना आरसीए। राजस्थान क्रिकेट जगत का सपना पूरा होगा। जेडीसी गौरव गोयल कल देंगे आरसीए को जमीन का पट्टा। खुद आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत जाएंगे पट्टा लेने। अपनी कार्यकारिणी को साथ लेकर जाएंगे वैभव गहलोत। आखिरकार वैभव गहलोत ने क्रिकेटर से किया वादा पूरा किया। कल आरसीए को खुद के स्टेडियम की मिल जाएगी जमीन। जल्द ही भूमि पूजन करके शुरू किया जाएगा निर्माण कार्य और जयपुर में बनेगा विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम। तो बड़ी खबर से इस वक्त आपको मुखातिब करा रहे हैं और लगातार इस खबर पे अपडेट भी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि वैभव गहलोत का ये सपना था कि आरसीए को खुद की जमीन मिले और उस जमीन पर स्टेडियम का निर्माण करवाया जाए। तो ऐसे में अब ये सपना साकार होने जा रहा है। कल ये सपना साकार हो जाएगा और राजस्थान के खेल जगत में इतिहास बनेगा। आरसीए को स्टेडियम की जमीन पर पट्टा मिलेगा तो खुद की जमीन खरीदने वाला पहला खेल संघ बना है आरसीए। राजस्थान क्रिकेट जगत का सपना पूरा होगा। इसी खबर पर हमारे सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो नरेश, देखिए लंबा इंतजार भी खत्म होगा और सपना भी पूरा होगा। बिल्कुल, देखिए कल का जो दिन है राजस्थान के खेल जगत के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कल आरसीए को अपने खुद के स्टेडियम के लिए जमीन मिलेगी जो उसने खरीदी है। ये महत्वपूर्ण आयोजन इसलिए है क्योंकि प्रदेश में किसी भी खेल संघ के पास में खुद की अपनी जमीन नहीं है जिसपे उन्होंने कोई स्टेडियम या मैदान बनाया हो। शासन क्रिकेट संघ पहला ऐसा संघ बनेगा जिसने खुद जमीन खरीदी है और अपना खुद का स्टेडियम बनाएगा और विश्व स्तरीय स्टेडियम बनेगा। कल जेडीसी गौरव गोयल है वो जमीन आवंटन के बाद जो पट्टा है वो देंगे आरसीए को। और महत्वपूर्ण बात है कि आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत खुद जेडीए जाएंगे अपनी पूरी कार्यकारिणी के साथ में, क्योंकि आरसीए के लिए भी यादगार दिन होगा, वैभव गहलोत के लिए भी यादगार दिन होगा। क्योंकि जब वैभव गहलोत अध्यक्ष बने थे तब उन्होंने प्रदेश के क्रिकेट जगत से, प्रदेश के क्रिकेटर से वादा किया था कि वो आरसीए का खुद का स्टेडियम बनवाएंगे और उसी क्रम में एक जो कह सकते हैं कि बड़ा मुकाम हासिल कल हो जाएगा और उसके बाद भूमि पूजन होगा एक मुहूर्त निकाल के और निर्माण कार्य भी शुरू होगा। तो कल पट्टा मिलने का सीधा सा मतलब ये है कि अब आरसीए के नाम खुद की जमीन हो जाएगी और उस पर फिर आरसीए अपने स्टेडियम का निर्माण कार्य करेंगे। क्योंकि इससे पहले काफी लंबे समय से प्रयास भी हुए थे, कई प्रक्रिया भी चली थी, लेकिन वो प्रक्रिया अटकती रही क्योंकि प्रयास है वो पूरे सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन वैभव गहलोत जब अध्यक्ष बने उनके बाद उन्होंने पहला जो लक्ष्य है वो यही दिया था कि जमीन आरसीए की खरीदी जाए और उसके बाद वहां पे स्टेडियम बनाया जाए। आरसीए अध्यक्ष ने बीसीसीआई से भी लगातार संपर्क किया जिसके कारण से बीसीसीआई से आरसीए को पैसा मिला और आरसीए अध्यक्ष ने एकमुश्त तमाम जो जमीन के पेटे जो पैसे जमा कराने थे जेडीए में वो पूरे पैसे जमा कराए और उसके बाद जो जमीन है वो आवंटित हो चुकी थी और इसके डिमार्केशन का जो इतने दिन तक काम चल रहा था अब डिमार्केशन का काम पूरा हो गया। तो उसके बाद अब पट्टा है वो कल दे दिया जाएगा और कल एक तरह से कहें कि जमीन आरसीए के नाम हो जाएगी। तो कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है, न केवल आरसीए के लिए, न केवल क्रिकेटर्स के लिए, बल्कि खुद वैभव गहलोत के लिए भी। क्योंकि उनका जो सपना है कि जयपुर में स्टेडियम बने और जोधपुर में भी अंतर्राष्ट्रीय मैच हो, तो जयपुर में स्टेडियम बनने के क्रम में बड़ा मुकाम कल हासिल होगा। बिल्कुल नरेश, कल इतिहास रचा जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।